मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं, क्योंकि भरे भारी लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर मिल गया है, बढ़िया संपत्ति एकत्र करने के लिए है न। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, उसको प्राप्त करना खास काम है, मनुष्य ध्यान नहीं देता है। रामायण में आया है, कबहुं कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। इस चौपाई पर आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं, करुणा चीन करुणा कर नर दे, ये करुणा करे कृपा जो सागर आ करुणा करे नर दे दिनी अथई बिना हेतु जे स्नेह पूर्वक दिनी अथई बिना कारण बिना कहीं सबब जे बिना कहीं एव दे जे बिना कहीं मतलब जे और स्नेह पूर्वक इस चौपाई पर आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने इस जीव पर विश्वास किया कि इसको मनुष्य शरीर दिया जाए जिससे इसका दुख मिट जाए, मेरी प्राप्ति हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। इस भावना से मानव शरीर दिया विशेष कृपा करके। जय जय। जब भगवान की यह भावना है कि मेरी प्राप्ति कर लो, तो थोड़ा सा हम भी इधर ध्यान दें, तो भगवान का संकल्प सच्चा होने वाला है, पर ध्यान नहीं देता मनुष्य। भगवान जी यह भावना आए कि मेरी प्राप्ति करे इन मनुष्य शरीर में, असांजो बि फर्ज़ु आहे ओॾे थोरो ध्यानु ॾियूं इन ॻाल्हि खे, उन संकल्प खे सचो कयूं, असां बि उन खे नथा ध्यानु ॾियूं। भॻवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका अर्थ यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने विश्वास किया यदि यहाँ आकर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, तो भगवान के साथ विश्वासघात करता है। हाँ, जय विश्वास ते जय पंहिंजे परमात्मा हेॾो असांजे मथां उपकार कयो आहे, है न, उन खे विश्वास खे धोखो न ॾिजे। हा, यहाँ आकर पाप झूठ कपट करता है, तो बड़ा भारी नुकसान है। जय, निश्चय कर लो कि आज से पाप नहीं करेंगे। बस निश्चय करना, वो कुछ न करना। हाँ, अन्याय नहीं करेंगे। बस सोलो करना और भगवत तत्व की प्राप्ति करेंगे। बस जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, इस तरह परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए खोज में लगना चाहिए। जय, आपको कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त पुरुष मिल जाए, जन जय भगवान के पातो आए, अरे महापुरुष जो संग तक मिली वे। हाँ, आपको कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त पुरुष मिल जाए, तो उनसे पूछो कि भगवान कैसे मिलें, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, इस बात की लालसा जगाओ। तो जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। नारायण नारायण। जंहिंजे मथां जंहिंजो सचो स्नेह आहे, प्रेम आहे, उहो अवश्य उन खे मिलंदो। इन में कोई बि संतो न करणु खपे। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सचो प्रेम हुअणु खपे, सो ते मिलाए न कष्ट संदेह, सवला करण तमाम। यो पूरो थियो लेख, मानव
जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य पहिरियों लेखो जीवन उपयोगी प्रवचन तंहिंमें पहिरियों इहो मानव जीवन जो लक्ष्य छा आहे उहो सम्झाई ऐं उहो मिली सघंदो आहे मनुष्य शरीर जे द्वारा ई परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति जंहिंखे चई उन में ईअं न आहे भई मिली सघंदो न मिली सघंदो तव्हां उमेदु न हारियो है न अवश्य ई मिलंदो निश्चय पको हुजे त एतिरो वक़्तु गुज़रियो उहो चिंता न करणी आहे जेको वियो सो वियो हाणे तूं उधम करे वठ जे पाए न पर लोक तुम्हारा छा थियनि सो परत दुख पावे पछताए काल ऐं कर्म में ईश्वर ऐं मिथ्या दोष लॻाए जो न तरह भव सम जो न तरह जो न तरह नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंद मति आत्मा गत जाय इहे सभु प्रेरणा कनि था बड़े भाग मानुष थन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा हा पुरुष सत्संग की महिमा हलो थोरो पढ़ी ॿियो प्रकरण में सत्संग की महिमा जय जय प्रथम भगति संतन कर संगा संत महात्माओं का संग पहली भक्ति है नवदा भक्ति भगवान राम शबरीय के भीलनीय के वर्णन कंदे ॿुधायो आहे की प्रथम भक्ति कहिड़ी आहे की प्रथम भक्ति संतन कर संग आहे छा हुनखे ख़बर कान हुई छा भक्तियाणी त ख़ुदि हुई विद्वान उन जो खोल कंदा आहिनि सम्झाणी ॾींदा आहिनि भई छो भॻवानु हिनखे भक्तीअ जो वर्णन करे ॿुधायो हा त प्रथम भक्ति ॿुधाई चईंसि भॻवानु संतन जो संग इहो प्रथम भक्ति ऐं मूं वरी ॿिए शास्त्र जे अंदरि श्रवण भक्ति पहिरियों आहे श्रवण मनन इहो पाद सेवन इहो भक्तिअ जा उहे बि साॻिया ई आहिनि थोरो चवण जो पंहिंजो पंहिंजो ढंग आहे पर हिन में भीलनीअ खे भॻवानु राम इहो प्रथम भक्ति संतन कर संग आहे पहिरियों भक्तिअ जो निशान आहे संतन जो संग करणु हा प्रथम भगति संतन का संगा जय संत महात्माओं का संग पहली भक्ति है जय जय भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी भक्ति स्वतंत्र साधन है ये कान भाई इन का पहले हे करनवा या इन का पोर वे भी करनवा न स्वतंत्र साधन है बस सकल सुख खानी सबनी सुखन जी खाण संपूर्ण सुख माने परमात्म सुख वो अनंत सुख नाश न करें थींदड़ आहे है न जंहिंखे आनंद ॿियो नालो चइजे आनंद रूप आहे हा प्राप्त थींदी सत्संग पर बिनि सत्संग सां उहो प्राप्त थींदी सकल सुखनि जी खाण आहे उहा बिना सत्संग वरी जीव न पाए सघंदो अहिड़ी भक्ति बिना सत्संग जे न पाए सघंदो हा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी भक्ति स्वतंत्र है संपूर्ण सुखों की खान है कहते हैं सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला संपूर्ण मंगल की मूल सत्संगति है मुद मंगल मुद मन आनंद जी मंगल जी करण वाली कल्याण करण जी मूल छा है सत्संगत सत्संगत मुद मंगल मूला और सोई फल फल इहो ई आहे सिद्धि सिद्धि रूप में और सभु साधन फूला सभु साधन आहिनि सभिनी साधननि जो फल छा आहे
सब साधन गुल जे बराबर आहिनि, पर वरी फल जेको मिलंदो छा उन मां सिद्धि प्राप्त थींदी, उहो आहे सत्संग, सत्संगति। ठीकु आहे न, मूल आहे सत्संगति। सत्संग ॿिया सभु जेके साधन आहिनि इहे गुलनि जे मिसल आहिनि। हा, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संपूर्ण मंगल की मूल सत्संगति है। जय। वृक्ष में पहले मूल होता है और अंतिम लक्ष्य फल होता है। जय जय। सत्संगति मूल भी है और फल भी है। वाह। जितने अन्य साधन हैं सब फूल पत्ती हैं, जो मूल और फल के बीच में रहने वाली चीजें हैं, सत्संगति में ही सब साधन आ जाते हैं। इसलिए सत्संग की भरी भारी महिमा है। सुंदर दास जी महाराज कहते हैं, संत समागम करिए भाई, या में बैठो सब मिल आई। संत समागम करना चाहिए, यह नौका की तरह है, इसमें बैठकर पार हो जाएंगे। सत्संग चंदन की तरह पवित्र बना दे और पारस रूपी सत्संग से कंचन जैसा हो और पारस रूपी सत्संग से कंचन जैसा हो जाए, ऐसा सत्संग है। आगे सुंदरदास जी महाराज फिर कहते हैं, और उपाय नहीं तरने का, सुंदर काढ़े राम दुआई। जय। राम जी की सौगंध दे दी कि कल्याण का और कोई उपाय नहीं है। मां सौगंध खाई चवां तो सुंदर दास तो चए ईअं यह अचूक उपाय है। जय। इसलिए सत्संग में जाकर बैठ जाए तो न्याल हो जाए। सत का संग करो, जहां भगवान की चर्चा हो, सत चर्चा हो, सत चिंतन हो, सत कर्म हो और सत्संग हो, तो सत के साथ संबंध हो जाए, बस इससे न्याल हो जाए जीव। जीव को जितने दुख आते हैं सब असत के संग से आते हैं। और अविनाशी का संग करते ही स्वतः न्याल हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। जीव खुद परमात्मा जो अंश है, इन करके सिर्फ सत्य जो संग कई ऐं बस पंहिंजो उते ई हुनखे शांती मिलंदी, हुनजो ई अंश आहे न। हा, उहो अंश अंश ई परमात्मा आहे, अंश जीव आहे। हा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जय जय। अतः सत्संग से, सत का प्रेम होने से सत प्राप्त हो जाता है। जय जय। सत्संग मिल जाए, परमात्मा का संग मिल जाए तो न्याल हो जाए। सत से जहाँ संबंध होता है वह सत्संग है, भगवान के साथ जो संग है वह सत्संग है। संग माने संबंध, संग थी वञनि माने संबंध थी वञनि सत वस्तु सां, परमात्मा सां, पोइ कहिड़े बि बहाने सां उहो बि पोइ सत्संग चइबो। नाम जपियोसीं इहो बि सत्संग, सत सां मिलाए थो न, सत वास्ते था कयूं, परमात्मा वास्ते जेको बि कयूं बसि उहो सॼो सत्संग। साधन जेको बि कोई करे थो, यज्ञ है न, सेवा करे थो, ध्यानु आहे, इहे सभु साधन आहिनि परमात्मा पाण जा। मूल आहे सत्संग, पाड़ उहा ई आहे ऐं फल बि उहो ई आहे, आख़िर सत्संग मिलंदो बि। पाणी खोल कंदो असली। अतः सत्संग से, सत का प्रेम होने से सत प्राप्त हो जाता है। सत्संग मिल जाए, परमात्मा का संग मिल जाए तो न्याल हो जाए। सत से जहाँ संबंध होता है वह सत्संग है, भगवान के साथ जो संग है वह सत्संग है।
असली संग होता है असत के त्याग से। असत जो त्याग खबो तरी उन्हें असली संग थींदो, असली संग संबंध थींदो जैसे असत का त्याग खबो। वैसे असत के द्वारा भी सत्संग में सहायता होती है, असत के द्वारा भी सत्संग में सहायता मिलती है। हाँ, जैसे सत्य चर्चा करते हैं तो बिना वाणी से कैसे करें? सत्य चर्चा करनी है तो वाणी को साथ करे न सकबो, वाणी जितने का आए असत, पर इन मार्फत असके सत्य की चर्चा मिली तो हाँ वाणी भी सफल थी वही। हाँ, सत्कर्म करते हैं तो बिना बाहरी क्रिया से सत्कर्म कैसे करें? बाहरी क्रिया तो करनी पड़ी, क्रिया भी असत आए तो क्रिया असत। हाँ, सत्य चिंतन करते हैं तो मन के बिना कैसे करें? सत्य चिंतन का बदल मन तो खपे खपे। हाँ, पर सत्संग में दूसरा नहीं हो, अपने आप ही में मिल जाए, तलीन हो जाए, सत्संग सत्य चिंतन सत्कर्म सत्य चर्चा और सद ग्रंथों के अवलोकन, इन सब का उद्देश्य सत्संग है। सत्य की प्राप्ति के लिए असत को दूर कर दे तो सत्संग का उद्देश्य पूरा हो जाता है। असत के दूर करे से तो सत्संग जो उद्देश्य पूरा थो, उन सत्य प्राप्ति के वास्ते असत के परे करे से। सन्मुख हो जीव मोय जब ही, असत से विमुख होने पर सत का संग हो जाता है। राग द्वेष ईर्ष्या आदि का जो पूरा कर्कट भीतर में भरा है यह सत्संग नहीं होने देता। ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य चाहे तो इनका त्याग कर सकता है, परंतु फिर भी इसे कठिनता मालूम देती है। कब तक? जब तक पक्का विचार न हो जाए। हाँ, पक्को पक्को विचार थी वे पो सवलो कम। पक्का विचार करने पर यह कठिनता नहीं रहती, चाहे जो हो हमें तो इधर ही चलना है। पक्का विचार हो जाए फिर सुगमता हो जाती है। जय जय। मन में ईर्ष्या राग द्वेष आदि दोष भरे हुए हैं, बहुत से भाई बहन इस बात को जानते ही नहीं हैं, और जो जानते हैं वे विशेष ख्याल नहीं करते। हाँ, विशेष वे ख्याल करने वो न जानन था ही राग द्वेष ठीक न है, पर विशेष ध्यान जान नहीं पड़ता के जानन था तो ख्याल न था कन। कई ख्याल करके छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन इसमें सुख लेते रहते हैं, इस कारण राग द्वेष ईर्ष्या आदि छूटते नहीं, क्योंकि असत का संग रहता है। सत का संग अर्थात सत्संग मिल जाए, असत जो मैंने आसक्ति आए इन्हीं वह चिमड़ी पे आने। सत का संग अर्थात सत्संग मिल जाए तो आदमी न्याल हो जाए, जहाँ सत का संग हुआ वहाँ न्याल हुआ। कारण क्या है? परमात्मा सत है, बीच में जितना जितना असत का संबंध मान रखा है वही बाधा है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध होते हैं, वैसे ही सत्संग करने से सब काम सिद्ध होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, तो क्या सत्संग से धन मिल जाता है? कहते हैं कि सत्संग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है। रुपया मिलने से तृष्णा जागृत होती है और सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है, रुपये की जरूरत ही नहीं रहती। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर हरेत पापम कल्पतरुर हरेत कल्पतरुर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा उदय होता है, उस दिन
तपत अर्थात गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है, पर सत्संग से तीनों बातें होती हैं। पाप नष्ट होते हैं, भीतर पाप ताप मिट जाता है और संसार की दरिद्रता दूर हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कशु न चाहिए सो साहल पतिशाह। सत्संग से हृदय की चाहना भी मिट जाती है, यह बात एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इस बात को जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से हृदय की जलन दूर हो जाती है। मनुष्य चाहता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो ऐसी बात आती है कि मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होय, पानी में घी नी पजे तो सुखी खाए न कोय। यद भावी न तद भावी, भावी चेन न तत अन्यथा, इति चिंता विषगिनो अयमगध किम न पीयते। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, और जो होने वाला है वह टल नहीं सकता, होकर रहेगा। फिर ऐसा क्यों आग्रह कि यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए, बस हाँ में हाँ मिला दें। सत्संग भी एक कला है, सत्संग में कला मिलती है दुखों से पार होने की। जैसे समुद्र में डूबने वाले को तैरने की कला हाथ लग जाए, ऐसे सत्संग में युक्ति मिल जाए तो न्याल हो जाए। सत्संग में उत्तम विचार मिलते हैं। ज्ञान मार्ग में तो यहाँ तक बताया है, धन किस लिए है चाहता, तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महा टकसाल है। बस ठीक है। उस धन के आगे तू इस धन को क्यों चाहता है? धन ही धन है, परमात्मा ही परमात्मा है, लबालब भरा हुआ है। उस धन से धन्य हो जाए, परमात्मा का सत का दर्शन यह सत्संग करा देता है। घना पेज पढ़े, एक टे चार पेज हाँ मत हिन में घना पढ़िया। टकसाल छाके जाए वह कहानी के धन किस लिए है चाहता तू आप जिसके सभी सिक्के बने तू वह महा टकसाल है। जैम सब सिक्का ठहन था वो तू वह महा टकसाल, जैमा सिक्का सब ठहन था, तू चांदी जैम वो स्वरूप तू आए पान ये न चांदीअ मां जीअं सभु सिका ठहंदा आहिनि है न यार। ठपो तू आहे सम्झो, ठपो लॻंदो आहे त नोट ठही वेंदो आहे न जी। मशीनरी टकसाल आख़िरी त पोइ ॾिसी छॾिजे, पोइ ॾिसिजे आख़िरी। ठीकु आहे रख भले। जीअं पारस आहे सम्झो, उन सोन सां सभु सोनो थी वेंदो। हा
जय जय ओम कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रहकर मेरे भाग डोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतःस्थित देख सशंकित होवे मन पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन जीवों का कल रव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे तेरा ही गुण गान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं बोल सियावर राम बांके बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय हनुमान की जय सब संतन की जय हरि स्पीकर लगाया विया आहिनि तव्हांजे लाइ ख़ासि करे जे सुभाणे थींदो हे त इहो ई आवाज़ु आहे अच्छा तॾहिं बि अचेव त अथो न आवाज़ु हा अच्छा पोइ पोयनि खे बि चिटो ईंदो माइक लॻायो